नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का सवाल है क्वेश्चन से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस इफ वर्क इज डन पहला ऑप्शन है अपॉन द सिस्टम बाय अ नॉन कंज़र्वेटिव फोर्स बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंज़र्वेटिव फोर्स बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन द सिस्टम बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स नाउ थ्योरेटिकल सवाल है यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है इस सवाल को सही सॉल्व करने के लिए नाउ चारों ऑप्शन एक एक करके देखते हैं इसका राइट right आंसर है बी बहुत बार स्टूडेंट इस बात पे कन्फ्यूज़ होते हैं कि इस सर बी इसका राइट आंसर क्यों है और बाकी तीन जो रॉन्ग आंसर है उनका मतलब क्या है इन सारे चीज़ों को इस सवाल के बहाने इस सवाल के जरिए एक बार सीखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है सो so, हम कह रहे हैं कि एक कोई सिस्टम है एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कोई मास एम है इसको यहाँ से यहाँ लेके हम इस हाइट पे एच हाइट के ऊपर ले गए अब सवाल ये है कि यहाँ पे किस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो जो इसका राइट आंसर है बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स तो यहाँ पे आपका कंजर्वेटिव फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उस फोर्स के अगेंस्ट अगर हमने काम किया यहाँ से यहाँ तक लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी, आपकी प्लस एम जी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट जब हम काम करेंगे तो कोई भी सिस्टम काम करेगा तो उसके इसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी एनहेंस बी इज़ द राइट ऑप्शन बाकी तीन ऑप्शन पे भी एक बार नजर मारते हैं तो सवाल ये अपॉन द सिस्टम बाय अ नॉन अपॉन द सिस्टम बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो हम काम कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि सिस्टम के ऊपर uh, काम कर रहे हैं बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने अगर काम किया है तो आपकी एनर्जी हीट के तौर पे या फिर किसी और तरीके से हीट डिसिपेट होगी सो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव नहीं आएगा एक्चुअली एनर्जी आपकी कम होएगी तो हैंस ए इज़ नॉट द राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जिसका uh, मतलब मान लीजिए एयर रेजिस्टेंस है तो सिस्टम ने जो काम किया उस एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करके ऊपर चीज़ें ऊपर uh, uh, वर्क डन किया है ऊपर लेवल बढ़ाने के लिए तो जो वर्क डन आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट हुआ है वो सारा आपका वर्क डन वेस्ट गया है वो टू uh, ओवरकम uh, उस फोर्सेस में गए हैं वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ाएगा एंड हैन सी इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन चौथा ऑप्शन है अपॉन द सिस्टम बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स अगर सिस्टम के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्सेज ने काम किए हैं तो वो एक्चुअली आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम कर देगा उदाहरण के तौर पे अगर आपका ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे मान लीजिए ग्रेविटी है वो सिस्टम को नीचे लेके आती है तो आपका ग्रेविटेशन का वर्कडाउन जीरो पॉजिटिव कहा जाएगा उस केस में एक्चुअली आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई हेंस बी सी एंड डी वुड बी रॉन्ग आंसर्स वी कैन से सॉरी ए सी एंड डी वुड बी रोंग आंसर्स एंड वी कैन से बी वुड बी द राइट चॉइस